हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू यूनिक क्लासेज ऑफ राइट वे आज बच्चे हम लोग एलजब्रा में जोसेफ एगैलियन बुक के चैप्टर फाइव के सेकेंड क्लास में हैं और फर्स्ट क्लास आपने पढ़ लिया होगा तो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि प्रूव डैट एस थ्री सीमेट्री ग्रुप ऑफ ऑर्डर थ्री फॉर्म्स अ ग्रुप एस थ्री जो है वो एक ग्रुप बनाता है ये हमें प्रूव करना था तो मैंने आपको हिंट दे दिया था पर बना करके कि यही सिक्स एलिमेंट्स बनेंगे और एस थ्री में सिक्स क्यू बनेंगे तो थ्री का फैक्टोरियल कितना होता है सिक्स सिक्स बनेंगे और सबका नाम भी दे दिया था पी नॉट पी वन पी टू सिगमा वन सिगमा टू सिगमा थ्री पी वन पी टू पी थ्री जो थे वो तीनों अपने आ, मतलब रोटेशन वाले थे वन से टू टू से थ्री लाइक दिस वे और सिगमा वन सिगमा टू सिगमा थ्री जो थे वो रोटेशन और रिफ्लेक्शन वाले थे अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था डाई हेड्र ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर मतलब ऑर्डर एट उसमें आपने पढ़ा था कि इसमें जो हो रहा है ये वन टू थ्री से हम लोग एक एक वर्टिक्स आगे जा रहे हैं तो रोटेशन हो रहा है वन टू थ्री दिस इज एग्जैक्टली आर वन ट्वेंटी डिग्री फिर यहाँ पर हो रहा है वन टू थ्री यहाँ पर हो रहा है आर टू फोर्टी डिग्री दो दो वर्टिक्स आगे जा रहा है वन टू थ्री ठीक है तो ये चल रहा है इसके बाद से है तो प्रमोटेशन के तौर पे इसको हम लोग बोलते हैं वन जो है वो टू की जगह पे गया है ना वन किसकी जगह पे गया टू की जगह पे गया टू थ्री की जगह पे वन टू की जगह पे गया और टू थ्री की जगह पे गया यहाँ पर जो है वो वन थ्री की जगह पे गया और टू किसकी जगह पे गया वन की जगह पे गया और थ्री जो है वो टू की जगह पे गया तो वन थ्री की जगह पे गया थ्री टू की जगह पे गया और टू वन की जगह पे गया ठीक है तो लाइक दिस वे ये दोनों रोटेशन के और पहला वाला तो आर नॉट है ही और ये क्या है तो एक मिरर जो है वो पास कर रहा है वन से तो टू और थ्री में खाली एक्सचेंज होगा ठीक है ये जो है ये वन टू थ्री एस टू से पास कर रहा है मतलब सिगमा टू तो ये हो गया वन और थ्री में एक्सचेंज कर रहा है इसलिए वन थ्री का अपन हो गया ये हो गया वन टू थ्री थ्री से पास कर रहा है तो वन और टू में हो गया तो फिगर वाइज भी ज्योमेट्रिकली भी क्लियर है कि ये सारे एलिमेंट हैं क्या तो so, परमुटेशन में हम लोग उन्हीं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं परमोटेशन के अंदर तो टोटल नंबर ऑफ परमोटेशन इज सिक्स तीन रोटेशन और तीन रिफ्लेक्शन अब इसका कैरेट टेबल बनाना था तो मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम तो आपको कंप्लीट करके दे दिया था और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट पी टू हम लोगों ने निकाला था अब कहा था कि पूरा टेबल आपको कंप्लीट करके लाना है पी टू जब निकाला था तो उसमें सिग्मा थ्री ओवर सिग्मा टू था अगर आपने टेबल निकाल लिया है तो टेबल आप फुलफिल कर सकते हो लाइक like, सेकेंड uh, में क्या है रो टू या पी टू लिखो सिग्मा टू सिग्मा थ्री सिग्मा वन सभी कोई बच्चे मैच करो जिनका मैच नहीं कर रहा है अलग आ रहा है वो फिर से ट्राई करेंगे और फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा मेरे से डाउट में पूछेंगे कि मैम कैसे आपने किया मेरा तो आ ही नहीं रहा सिग्मा वन सिग्मा थ्री सिग्मा टू पी नॉट पी टू पी वन सिग्मा टू के बाद सिग्मा वन सिग्मा थ्री पी वन पी टू पी नॉट पी टू फिर इधर है सिग्मा थ्री में सिग्मा थ्री सिग्मा टू सिग्मा वन पी टू पी नॉट अच्छा पी नॉट तो दो बार नहीं आना चाहिए यहाँ पे कुछ और आना चाहिए यहाँ पे तो चलो पी नॉट आएगा इस एलिमेंट में मुझे कन्फ्यूज़न है इसको जरा चेक करने दो सिग्मा टू ओवर सिग्मा थ्री लगाना है सिग्मा टू ओवर सिग्मा थ्री इधर देखो सिग्मा टू में क्या है सिग्मा टू में है वन थ्री टू टू थ्री वन और सिग्मा थ्री में क्या है वन टू टू वन थ्री का डमी है सिग्मा टू में टू डमी है और सिग्मा थ्री में थ्री डमी है अब जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि ये एलिमेंट वन से टू फिर टू से टू जा रहे हैं रिजल्टेंट तो वन तो से टू ही आएगा फिर टू से वन और वन से थ्री टू तो से थ्री जा रहे हैं थ्री से थ्री थ्री से वन तो थ्री से वन जा रहे हैं तो दिस इज वन टू थ्री परमोटेशन और वन टू थ्री परमोटेशन को हमने क्या नाम दिया है पी वन या पी टू वन टू थ्री को पी वन नाम दिया है दिस इज नॉट पी नॉट बट ये पी वन है ठीक है इसको करेक्शन करने तो मुझे ये है पी वन ये पूरा बन गया आपका कैले टेबल आप इसे मैच कर सकते हो बिल्कुल सही कैले टेबल है अब कैले टेबल को ग्रुप प्रूव करने के लिए आप हर एलिमेंट को देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के अंदर में एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू एस थ्री एस थ्री में अगर आपने एप्सिलॉन रो वन रो टू सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री डाला है तो इसमें लिखोगे क्लोजर uh, में ग्रुप प्रूव करने के लिए क्लोजर में लिखोगे सिंस ईच रिजल्टेंट ऑफ कैले टेबल सिंस ईच रिजल्टेंट ऑफ कैले टेबल बिलोंग टू द belong to the table itself only so it is closed so it is closed with respect to function composition ya with respect to multiplication permutation mein to तो multiplication ya function composition kuch bhi use kar sakte hain closure ke baad hai associative अब जब table complete है तो associative में ज़्यादा time नहीं लगेगा आप कुछ भी ले लो लाइक रो टू या पी टू बोल दे सिग्मा वन और सिग्मा टू बोल दे। तो देख लो टेबल से ही देख लो सिग्मा वन सिग्मा टू का रिजल्ट क्या है सिग्मा वन और सिग्मा टू का रिजल्ट है पी नॉट यह आ जाएगा पी टू और पी नॉट तो पी टू ही रह जाएगा उसके बाद से है पी टू इंटू सिग्मा वन और फिर करेंगे सिग्मा टू तो पी टू इंटू वन पी टू इंटू सिग्मा वन देखो ना पी टू इंटू सिग्मा वन है सिग्मा टू तो ये आ गया सिग्मा टू और फिर सिग्मा टू तो रिफ्लेक्शन में तो बच्चे एक रिफ्लेक्शन किया सिग्मा टू और फिर वापस अपनी जगह पे आ गए तो सिग्मा टू सिग्मा टू देखना जरा कितना है ये तो पी नॉट है सिग्मा टू सिगमा टू तो पी नॉट हो जाएगा एक मैट रुक जाएसोसिएटिव तो होता है ये तो चेक करने दो पी टू ओवर सिग्मा वन पी टू ओवर सिग्मा वन दिस इज सिग्मा टू पी टू ओवर सिग्मा वन इज सिग्मा टू लिख दिया मैंने और फिर सिग्मा टू ओवर सिग्मा टू इज पी नॉट तो ऊपर वाले को एक बार चेक कर लेते हैं ये है पी टू सिगमा वन और सिग्मा टू सिग्मा वन ओवर सिग्मा टू अच्छा ये है सिग्मा वन ओवर सिग्मा टू इज पी वन पी वन है पी नॉट नहीं है तो सही कर लो दिस इज पी वन और फिर पी टू ओवर पी वन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें देख ले जरा पी टू ओवर पी वन करेंगे तो मिल रहा है पी नॉट दोनों जगह सही है इधर भी पी नॉट मिल रहा था इधर भी पी नॉट मिल रहा था अब आइडेंटिटी के लिए हमें देखना कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है या नहीं देखो सेम टू सेम रो कहाँ पर मतलब uh, रिपीट हो रहा है पी नॉट पी वन ये सेम टू सेम रो रिपीट हो रहा है जो ऊपर की रो है वही नीचे की रो है ये तब हो रहा है जब हम पी नॉट के साथ कर रहे हैं सो पी नॉट इज आइडेंटिटी तो लिखेंगे क्लियरली पी नॉट इज दी आइडेंटिटी एंड पी नॉट बिलोंग्स टू एस थ्री एंड पी नॉट बिलोंग्स टू एस थ्री आइडेंटिटी के बाद से आ जाते हैं इनवर्स पे इन्वर्स में देखना बच्चे पी नॉट हर रो में ढूंढना है रेड से मार्क कर रहे हैं पी नॉट पी नॉट यही हमें बताएगा पी नॉट किसका कौन सा इनवर्स है पी नॉट पी नॉट पी नॉट रिफ्लेक्शन में तो दिक्कत ही नहीं है सिग्मा वन का इनवर्स खुद सिगमा वन सिगमा टू सिगमा थ्री और पी नॉट का इन्वर्स खुद पी नॉट तो बच्चा पी वन और पी टू ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो लिखोगे कैसे तो पी नॉट इंटू पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट विथ एम्प्लाइज पी नॉट का इन्वर्स इज इक्वल टू पी नॉट फिर पी वन इंटू पी टू इज इक्वल टू पी नॉट विथ एम्प्लाइज पी वन का इन्वर्स हो गया पी टू फिर पी टू इंटू पी वन इज इक्वल टू पी नॉट विच एम्प्लाइज P2 का इन्वर्स हो गया P1 या यहीं से हम ये भी लिख सकते थे कि P2 का इन्वर्स हो गया P1 दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं फिर सिग्मा वन इन् टू सिगमा वन इज इज इक्वल टू पी नॉट इसका मतलब हो गया सिग्मा वन का इन्वर्स खुद सिग्मा वन हो गया सिग्मा टू इन् टू सिगमा टू इज इक्वल टू पी नॉट इसका मतलब है सिग्मा टू का इन्वर्स सिग्मा टू हो गया सिग्मा थ्री इन् टू सिगमा थ्री इज इक्वल टू पी नॉट इसका मतलब है सिग्मा थ्री का इन्वर्स खुद सिग्मा थ्री हो गया अब सबका इन्वर्स हो गया हैंस इट इज़ अ ग्रुप हैंस एस थ्री इज अ ग्रुप और क्या ये अबेलियन ग्रुप है देखो जरा टेबल को थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा थोड़ा सा साफ सुथरा कर ले अबेलियन डिसाइड करने में आसानी होगी अब देखो डायगनल को कलर कर रहे हैं ये है डायगनल एलिमेंट अब डायगनल एलिमेंट में थोड़ा इधर उधर होने का डर रहता है इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप जब भी बॉक्स बनाना तो बॉक्स स्क्वायर शेप में हो इस बात का ख्याल रखें अब डायगनल एलिमेंट के बाद ऊपर और नीचे को कंपेयर करना है ऊपर और नीचे को कंपेयर करना है तो देखना जरा बच्चे पीटो पीटू नहीं है अबेलियन नहीं है ये पी टू और पी वन है बच्चे तो अबेलियन ये नहीं है पहली बार में कैंसिल हो गया तो सिग्मा थ्री ओवर सिग्मा टू इज पी टू तो लिखेंगे इट इज नॉट अबेलियन इट इज नॉट अबेलियन एज सिग्मा टू ओवर सिग्मा थ्री सिग्मा टू ओवर सिग्मा थ्री इज पी वन एंड सिग्मा थ्री ओवर सिगमा टू इज इक्वल टू पी टू सो नॉट कम्यूटेटिव सो नॉट कम्योटेटिव क्लियर तो ये हो गया हमारा परमोटेशन से रिलेटेड एस टू एस फोर और एस थ्री इन सब के बारे में सीमेट्रिक ग्रुप एस थ्री के बारे में अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमेट्रिक ग्रुप एस एन जो ग्रुप एस एन जो हम लोग इतना फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं ना कि एस थ्री में थ्री फैक्टोरियल एलिमेंट्स होंगे एस फोर में फोर फैक्टोरियल एलिमेंट्स होंगे तो उसी चीज को थोड़ा सा हम लोग लॉजिकली देखते हैं कि कैसे डिसाइड हुआ एस एन के थ्रू देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा ठीक है ध्यान से देखो लेट अब एन है एस uh, फोर में कितने एलिमेंट थे चार बर्टिक्स थे वन टू थ्री फोर एस थ्री में कितने थे वन टू थ्री एस एन में कितने होंगे वन टू थ्री फोर से लेकर के कहा तक एन तक ठीक है ये हो गया ए सेट अब हम लोग एस एन को लेट लेट एस एन फॉर्म लेट एस एन द फॉर्म एल्फा इज इक्वल टू एल्फा नाम से परमोटेशन बना रहे हैं और एस एन के ऊपर जिसमें वन का एल्फा वन हो रहा है टू का एल्फा टू हो रहा है थ्री का एल्फा थ्री हो रहा है डॉट 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 एन का एल्फा एन हो रहा है ठीक है ये परमोटेशन हो गया अब ध्यान से सुनना आप कहीं से तो एलिमेंट देना स्टार्ट करोगे मतलब किसी का तो आप पहली बार जो है वो इमेज वन अल्फा वन टू अल्फा टू अब देखो कहीं से तो आप स्टार्ट करोगे ना परमुटेशन बनाना परमुटेशन बनाना मतलब सबको इमेज देना सबको इमेज देना तो सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट डेट इज वन सो देयर आर वन के लिए कितने चॉइसेस हो जाएंगे भाई अगर इधर में वन टू थ्री डॉट डॉट एन है इधर भी है वन टू थ्री डॉट डॉट एन है ये सेट ए ये सेट ए तो देयर आर एन चॉइसेस फॉर अल्फा वन भाई वन को तो हम किसी के भी साथ मैच कर सकते पहला एलिमेंट है सपोज करो मैंने वन को मैच कर दिया थ्री के साथ तो so, अब एक एलिमेंट इधर से खत्म हो गया फिनिश हो गया अब बचेगा एन माइनस वन एलिमेंट बचेगा नेक्स्ट वाले के लिए एन माइनस वन च्वाइसेज होंगे कि किसी में भी उसको हम लोग मतलब मैपिंग कर सकते हैं इसको मैपिंग करना ही कहते हैं ना इमेज बनाने को तो देर आर एन चॉइसेस फॉर अल्फा वन फिर वंस uh, uh, एक बार अगर अल्फा वन चूज हो गया देन इसको लिखना पड़ेगा वंस अल्फा वन इज डिसाइडेड आपने कौन सा बनाया देन देर आर कितना एन माइनस वन चॉइसेस फॉर किसके लिए नेक्स्ट वाले एलिमेंट के लिए यानी कि अल्फ़ा टू इन द सेम वे देयर आर देयर इज़ वन चॉइस किसके लिए लास्ट वाले एलिमेंट के लिए फॉर अल्फा एन तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि चॉइसेस जो हैं इतने सारे चॉइसेस हैं तो अगर हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करें कंटिन्यूइंग Along in the continuing along this way, we see that we see maybe or you We see that SN has kitna element hai SN ke paas? n, n minus 1, n minus 2, dot dot dot, 3, 2, 1 elements that is. फैक्टोरियल एन एलिमेंट्स ठीक है तो ऐसा जनरलाइज हो गया एस फोर एस थ्री एस फाइव एस एट एस नाइन एस ट्वेंटी कुछ भी होगा उन सब का एलिमेंट एन फैक्टोरियल ही होगा और एक खास बात है जो कि आप लिख लें नोट में अच्छा हमने एस थ्री में भी देखा था वो भी नॉन अबेलियन आया था एस फोर में देखा था वो भी नॉन अबेलियन आया था है ना तो नोट एस फोर में देखा था हमने जो मेट्रिक ग्रुप एस फोर अच्छा अभी आगे आने वाला अभी नहीं देखा है नोट डैट एस फोर एस एन एस एन इज नॉन अबेलियन वैन एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री ये आप फैक्ट जान लो ये एक्सरसाइज में भी फोर्टी थ्री क्वेश्चन है अगर वो गाइडलाइन में हुआ तो वो क्वेश्चन आप देखोगे ही अदरवाइज एंड ये याद रख लो कि थ्री या थ्री के ऊपर कोई भी एसन होगा तो वो नॉन अबेलियन ही सारे ग्रुप होंगे याद हो गया नेक्स्ट है अब एग्जाम्पल थ्री एग्जाम्पल थ्री सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर सिमेट्रीज़ ऑफ स्क्वायर अभी जो हमने एस थ्री देखा था ना तो सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर में चार वर्टिक्स होगा आपको याद है वन टू फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा आर नॉट तो सेम टू सेम रह जाता है वन टू थ्री फोर यानी ध्यान से देखो वन का इमेज वन टू का इमेज टू थ्री का इमेज थ्री फोर का इमेज फोर तो ये कौन सा परमोटेशन हो गया वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ये आइडेंटिटी परमोटेशन हो गया यानी आइडेंटिटी परमोटेशन इज़ आर नॉट उसी तरीके से वन टू थ्री फोर आर नाइनटी ये हो जाएगा वन टू थ्री फोर इसका मतलब क्या हो गया एक एक वर्ड आगे चला गया लेकिन जब ज्योमेट्रिकली देखोगे तो वन किस पे चला गया वन का इमेज कौन सा पोजिशन ले लिया टू टू किस पे चला गया थ्री पे थ्री किस पे चला गया फोर पे और फोर चला गया वन पे तो ये एक साइक्लिक परमोटेशन हो गया वन वन चला गया टू पे टू टू चला गया थ्री पे थ्री चला गया फोर के प्लेस पे फोर चला गया वन के प्लेस पे दिस इज़ आर नाइन्टी तो जरूरी नहीं कि हर बार फिगर बना कर के ही करो अब जैसे आर वन एटी लिखना है मैंने फिगर नहीं बनाया आर वन एटी लिखना है मैंने फिगर नहीं बनाया वन वन से थ्री पे दो वर्टेक्स जंप करेगा फिर uh, वन से थ्री पे चले गए टू से फोर पे चले गए और थ्री कहाँ चला गया वन की जगह पे फोर कहाँ चला गया टू की जगह पे समझ में आए दिस इज आर वन एटी अब तीन तीन वर्टेक्स आगे जाएंगे तो वन टू थ्री फोर टू जो है वो तीन वर्टेक्स आगे जाएगा तो टू के बाद थ्री फोर वन थ्री जो है वन टू थ्री नहीं थ्री के बाद फोर वन टू फोर के बाद हो जाएगा फोर जाएगा वन टू थ्री तो फोर से जाएंगे हम लोग थ्री पे दिस इज आर टू सेवेंटी सब का जो है थ्री प्लेस ऐड कर दो फोर के बाद जब हम लोग रोटेशन वाइज बढ़ेंगे कहने का ये मतलब हुआ कि वन टू थ्री फोर आर टू सेवेंटी में जब जा रहे हैं तो वन थ्री प्लेस आगे गया तो टू थ्री फोर तो वन का इसलिए फोर टू भी थ्री प्लेस आगे गया तो थ्री फोर वन थ्री भी तीन प्लेस आगे गया तो फोर के बाद वन फिर शुरू होगा फिर टू साइक्लिक में फिर फोर जो है वो थ्री प्लेस आगे गया थ्री पे फोर का थ्री ये हो गया अब रिफ्लेक्शन की बारी आ रही है एच में आपको याद है ये सब इतना प्रैक्टिस किया होता है ना कि याद हो जाता है एच में सीधा आंख बंद करते हैं एक इमेज घूम जाता है कि वन और फोर एक्सचेंज कर रहे हैं टू तो और थ्री कर रहे हैं तो इसमें आ जाएगा वन का फोर फोर का वन टू का थ्री थ्री का टू ठीक है ये हो गया हमारा एच वी बिना बनाए बताओ तो वी में वन का टू टू का वन थ्री का फोर फोर का थ्री डी में बताओ तो डी में टू और फोर अपनी जगह पे रहेंगे टू टू डमी फोर फोर डमी और वन थ्री थ्री वन और डी डैश में क्या आ जाएगा कौन सा प्रमोटेशन आएगा वन और वन और थ्री अपनी जगह पे रहेंगे टू का फोर फोर का टू वन का वन थ्री का थ्री इतने सारे परमोटेशन बन गए सिमेट्रीज़ अ स्क्वायर में अब ये कहते हैं कि आप किसको रो मानो ये टोटल देख रहे हो आप छोटा करके दिखला रहे हैं टोटल एट एलिमेंट्स हैं आर नॉट भी है ऊपर में चार ये और चार ये टोटल एट परमोटेशन को इनका कहना है कि अगर हम रो मान लें लेट रो इज इक्वल टू वन से टू गए टू से थ्री गए थ्री से फोर गए फोर से वन गए दैट मीन्स इट इज़ आर नाइन्टी तो आपको पता है कि आर वन एटी जो है वो क्या है आर नाइन्टी का स्क्वायर है और आर टू सेवेंटी क्या है आर नाइन्टी का क्यूब है तीन बार लग रहा है तो so यानी अगर इसको हम लोग रो बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप में तो ये हो जाएगा रो row... सॉरी uh, इसको अगर रो मान लें तो दिस इज रो स्क्वायर एंड दिस इज़ रो क्यू साइक्लिक ग्रुप चैप्टर फोर में आप लोग पढ़ चुके हैं तो ये जनरेट हो रहा है रो से इसके पास एक रो जनरेटर है और अगर चार बार कर देंगे तो पावर फोर तो रो से ये चारों जनरेट हो जाएंगे और इधर जनरेट करने के लिए एक आपको चाहिए एलिमेंट कौन सा फाइव ध्यान से सुनो फाइव किसको माना है वन से टू टू से वन थ्री से फोर इसको इसको माना है फाइव तो अब बाकी कोई ना कोई फाइव या रो का कॉम्बिनेशन होगा अब ये कोई रो या फाइ होगा कुछ इस टाइप से होगा जब आप करोगे तो, तो ये दोनों कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन इन तीनों के बारे में लिखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड फाइ अब किस टाइप का कॉम्बिनेशन वो थो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा वर्क करेंगे तो आ जाएगा निकल करके लेकिन ये ही दो जनरेटर है इसके रो और फाइव ये दिया हुआ बुक में कि इन्हीं दोनों से जनरेट होगा ठीक है तो ये एस फोर हो गया टोटल एस फोर में और भी एलिमेंट आएंगे लेकिन अभी सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर की बात करें तो ये डी था एक मिनट D4 फोर में डी फोर हैज़ एट एलिमेंट्स अभी जो हमने परमोटेशन बनाया सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर का लेकिन एस फोर हैज़ कितना फोर फैक्टोरियल यानी फोर थ्री जो ट्वेल्व टू जो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर एलिमेंट्स ठीक है क्योंकि आप ध्यान दो आपको कि मैम ऐसा कैसे होगा तो यहाँ डमी किसको बनाया है टू और फोर को वन और थ्री को तो अभी तो ऐसे ढेर सारे डमी बनेंगे ना टू और थ्री को डमी बनाएंगे थ्री और फोर को डमी बनाएंगे ठीक है इस तरीके से बहुत सारे डमी बनेंगे रोटेशन में भी बहुत सारे बनेंगे तो चौबीस हो जाते हैं एस फोर के टोटल ट्वेंटी फोर एलिमेंट्स होते हैं तो ये था हमारा बच्चा एस थ्री और एस फोर के एलिमेंट्स के बारे में एस फोर के एलिमेंट्स के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साइक्लिक नोटेशन साइक्लिक नोटेशन तो हेडिंग देना साइक्लिक नोटेशन थोड़ा बहुत हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में प्रैक्टिस किया हुआ है और नोटेशन को समझने के लिए साइक्लिक नोटेशन जरूरी था इसलिए किया था अब सबको आता है ये अल्फा इक्वल टू अगर आ गया वन टू टू वन थ्री फोर फोर सिक्स फाइव फाइव सिक्स थ्री तो अगर इसका साइकिल पता लगाओगे तो ध्यान से देखो वन फिर टू फिर टू से वन ये पहला साइकिल ख़त्म हो गया वन और टू यूज हो गया अब थ्री थ्री से गए फोर फोर से गए सिक्स सिक्स से गए वापस थ्री तो तीन तीन एलिमेंट वाला साइकिल बना तो थ्री फोर सिक्स खत्म हो गया अब ये फाइव सिंगल साइकिल बना तो अल्फा को लिखा जा सकता है वन टू का साइकिल थ्री फोर सिक्स का साइकिल और फाइव का साइकिल सिंगल वाले को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इज इक्वल टू वन टू लिख सकते हैं थ्री फोर सिक्स इग्नोरिंग फाइव सिंगल एलिमेंट वाला ना लिखो तो भी चलेगा आप इसमें प्लेस भी एक्सचेंज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है मीनिंग वही रहना चाहिए कि वन का इमेज है टू टू का इमेज है वन मीनिंग वही है यहाँ पर आप फोर सिक्स थ्री भी लिख सकते हो मीनिंग वही है बच्चे फोर का इमेज सिक्स थ्री का इमेज फोर और सिक्स का इमेज थ्री फोर का इमेज सिक्स सिक्स का इमेज थ्री और थ्री का इमेज फोर सेम मीनिंग है और भी कुछ लिख सकते हो लाइक टू वन और थ्री से स्टार्ट हुआ था अभी फोर से स्टार्ट हुआ सिक्स सिक्स से स्टार्ट करोगे तो सिक्स के बाद आएगा थ्री और फिर फोर क्योंकि सिक्स का इमेज थ्री को ही बनाना है थ्री का इमेज फोर को और फोर का इमेज सिक्स को तो ये लिखने का तरीका हो गया साइक्लिक नोटेशन में थोड़ा आगे पीछे करके भी लिखा जा सकता है लेकिन ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए जिसका जिसके बाद आ रहा है टर्न और टर्न नहीं बदलना चाहिए जैसे थ्री के बाद आ रहा है फोर फोर के बाद सिक्स और साइक्लिक है तो सिक्स के बाद थ्री ये चीज नहीं बदलना चाहिए ठीक है तो हम लोग इसको बोलेंगे साइकिल साइकिल ऑफ क्या हो गया यार साइकिल ऑफ लेंथ टू इसको कि हम ट्रांसपोजिशन भी बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ये हो गया साइकिल ऑफ लेंथ थ्री साइकिल ऑफ लेंथ लेंथ थ्री इस तरीके से साइकिल ऑफ लेंथ फाइव टेन एम कुछ भी हो सकता है अब एक बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रहे हैं इससे पहले जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया था ना दो साइक्लिक नोटेशन में तो पूरा ओपन करके करते थे अब बिना ओपन किए ही डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे उसको भी जरा रिवाइज कर लेंगे एक बार एल्फा इज़ इक्वल टू वन थ्री टू सेवन फोर फाइव सिक्स एट एंड बीटा इज़ इक्वल टू वन टू थ्री सेवन सिक्स फोर एट फाइव अब हम लोगों को निकालना है अल्फा और बीटा दोनों तरीके से अभी तक हमने जितना पढ़ा है पहले उससे तो कर ले कि हमें आता है या नहीं आता है अल्फा बीटा करोगे तो पहले अल्फा में क्या करोगे वन से थ्री थ्री से वन आ, इसको आप चाहो तो पूरा एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो क्योंकि ये किसी ना किसी का साइक्लिक फॉर्म लिखा गया होगा यहाँ ध्यान दो जैसे ये जो साइक्लिक फॉर्म लिखा था इसका मतलब था वन का टू थ्री का फोर फोर का सिक्स तो वन का टू टू का वन थ्री का फोर फोर का सिक्स फिर सिक्स का थ्री और फाइव तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली भी बना सकते हैं या अलग अलग भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है टू का सेवन सेवन का टू फिर फोर का फाइव फाइव का सिक्स सिक्स का फोर और एट का एट और बीटा में आ जाएगा बीटा को थोड़ा हम अलग कलर से लिख दे रहे हैं ताकि समझने में आसानी होगी वन का टू टू का थ्री थ्री का सेवन सेवन का वन फिर सिक्स का फोर फोर का एट एट का सिक्स फिर फाइव का फाइव देखो तो जरा एलिमेंट दोनों में सेम है सेम होना चाहिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन से लेकर के एट तक सारे हैं अब इधर में देख लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट चलो सेम टू सेम एलिमेंट्स हैं अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो वन थ्री थ्री वन एक ही साथ लिख सकते हो बीच के ब्रैकेट सारे हटा दो बाउंड्री खत्म बाउंड्री ख़त्म आप सबको एक ही परमोटेशन में लिख दो इधर आ गया वन टू टू थ्री थ्री सेवन सेवन वन ओ सिक्स फोर फोर एट एट सिक्स फाइव फाइव हो गया अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वन का टू टू का सेवन तो आ गया वन का सेवन टू का थ्री थ्री का वन तो टू का वन थ्री का सेवन सेवन का टू तो थ्री का टू सेवन का वन वन का थ्री तो सेवन का थ्री सिक्स का फोर फोर का फाइव तो सिक्स का फाइव फोर का एट एट का एट तो फोर का एट एट का सिक्स सिक्स का फोर एट का फोर फाइव का फाइव और इधर फाइव का सिक्स फाइव का सिक्स बन गया परमुटेशन। आप अगर इसका साइकिल एक नोटेशन लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे ध्यान से देखो वन से सिक्स फिर सेवन वन से सेवन सेवन से थ्री और थ्री से टू टू से वन ये साइकिल बन गया एक यानी वन सेवन थ्री टू का साइकिल बना फिर बनेगा सिक्स का फाइव फाइव का सिक्स तो सिक्स फाइव या फिर फाइव सिक्स और फिर फोर एट यही आया ना डायरेक्टली भी एक करने का तरीका है लेकिन डायरेक्टली भी दिमाग में यही सब चलता रहता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा को लिख दिया वन थ्री टू सेवन फोर फाइव सिक्स एट और बीटा क्या है बीटा है वन टू थ्री सेवन सिक्स फोर एट फाइव अब देखो जरा राइट right से लेफ्ट में सर्च करते हैं ना वन से गए टू बस एक ही बार जाना है एक ही बार एक ही स्टेप मूव करना है वन से टू अब इधर ढूंढो वन से सेवन टू से सेवन तो फाइनली हम पहुंच गए वन से सेवन क्लियर देखो इधर वन से टू गए टू से सेवन गए तो वन से सेवन डायरेक्टली से से तो से पहुंच गए अब टू से गए थ्री इधर थ्री से गए वन तो टू से डायरेक्टली वन पहुंच गए तो वन सेवन एक मिनट वन से टू अच्छा आ, वन का तो ढूंढ लिया टू का तो ढूंढा ही नहीं जस्ट अ मिनट हाँ टू से गए थ्री थ्री से गए वन तो वन सेवन नहीं सेवन का ढूंढना है एक मिनट एक मिनट वन से सेवन पे चले गए अब सेवन के आगे क्या हो रहा है वो देखना है तो सेवन का वन और इधर वन का थ्री इधर सेवन का हम पहुंच जाएंगे थ्री पे समझ में आ रहा है जहाँ पे ख़त्म हो रहा है फिर उसको इमेज बना उसको प्री इमेज बना करके उसका इमेज ढूंढना है वन सेवन थ्री हो गया अब थ्री का ढूंढो तो थ्री का सेवन थ्री के बाद क्या आएगा तो थ्री का इमेज आएगा तो थ्री का इधर है सेवन और सेवन जा रहा है टू पे तो थ्री का इमेज हो गया है टू अभी ख़त्म नहीं हुआ है अब टू का ढूंढो ध्यान से टू का इमेज है थ्री अब थ्री का इमेज क्या है थ्री का इमेज है वन हम तो टू से फिर से वन पे पहुंच गए तो उसको लिखेंगे नहीं क्योंकि वन ऑलरेडी है वन सेवन थ्री टू ठीक है वन सेवन थ्री टू हो गया वन टू थ्री सेवन हो गया फोर से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फोर से जा रहे हैं एट पे और एट से एट पे ही जा रहे हैं तो फोर से एट अब इधर एट से जा रहे हैं सिक्स पे और सिक्स से जा रहे हैं फोर पे तो हो गया एट से फोर पे पहुंच गई है खत्म हो गया अब फोर हो गया फोर के बाद आप बारी आती है फाइव की फाइव से फाइव पे और इधर फाइव से सिक्स पे तो फाइव से पहुंच गए सिक्स पे अब सिक्स का इमेज ढूंढना है तो सिक्स से फोर फोर से फाइव सिक्स तो से फाइव पहुंच गए ख़त्म तो ये हो गया हमारा और सारे एलिमेंट आ चुके हैं टोटल कितने एट एलिमेंट्स आ गए सारे तो देखा ये 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 सेम चीज़ है आगे पीछे होने से फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चे क्योंकि फोर एट फोर एट ही रहेगा और सिक्स फाइव फाइव सिक्स ही रहेगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है और वन सेवन थ्री टू वन सेवन थ्री टू तो डायरेक्टली भी मल्टीप्लीकेशनों का बस ध्यान ये देना है कि एक प्री इमेज का इमेज बनता है फिर इसका इमेज ढूंढना है फिर इसका इमेज ढूंढना है और अगर रिपीट कर गया तो वहीं पे साइकिल को क्लोज कर देना है थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा एक और करें करते हैं अब डायरेक्टली वाला करेंगे एल्फा इज इक्वल टू वन टू वन थ्री नहीं वन थ्री नहीं है थ्री है वन तो यूज हो गया ना थ्री फोर फाइव बीटा इज इक्वल टू वन फाइव थ्री टू फोर अब हमें डायरेक्टली अल्फा बीटा निकालना है निकाल लेंगे बिल्कुल निकाल लेंगे राइट right से मल्टीप्लाई करना है यहाँ ध्यान दो वन से पहुंचे फाइव अभी और फाइव का इमेज क्या आ गया इधर देखो फाइव का इमेज आ गया फोर यानी वन से फोर पहुंच गए अब फोर से पहुंचे टू टू से पहुंचे वन यानी ख़त्म हो गया वन से फोर और फिर फोर से वन साइकिल खत्म हो गया अब वन और फोर आ गया अब टू से देखते हैं टू से पहुंचे बच्चे फोर फोर से पहुंचे फाइव टू तो से फाइव पहुंच गए अब फाइव का ढूंढो फाइव से पहुंचे थ्री थ्री से थ्री तो फाइव का थ्री अब थ्री का ढूंढो थ्री का फाइव फाइव का फोर कुछ तो गड़बड़ है थ्री से वन सॉरी थ्री से फाइव थोड़ी ध्यान से देखो थ्री से वन और फिर वन से टू तो थ्री से पहुँच गए टू पे अब इधर देखो टू से फोर अच्छा टू तो एक बार आ चुका है तो रिपीट नहीं होगा ये आ गया टू फाइव थ्री तो वन टू थ्री फोर फाइव तो हो गए और भी कोई है नहीं है इतना ही तो एलिमेंट है दोनों में बन गया ये हमारा ठीक है एक नोटेशन और आपको याद रखना है वो क्या है एप्सिलॉन के बारे में जैसे एप्सिलॉन अगर वन से वन टू से टू थ्री से थ्री फोर से फोर फाइव से फाइव 6 से मान लो टेन हम इसको चाहें तो एप्सैलन को खाली टू का परमुटेशन भी लिख सकते हैं मीनिंग ये निकलेगा कि टू से टू पे जा रहे हैं और बाकी जितने भी एबसेंट एलिमेंट है ऑल आर डमीज सारे के सारे एलिमेंट क्या है डमीज हैं या फिर हम चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं फाइव एप्सैलन को किसी भी नोटेशन में लेकिन लेंथ वन का साइकिल इससे ये पता लगता है कि ऑल द एलिमेंट्स आर डमीज तो ये हमारा क्या हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है परमोटेशन के अंदर में एबसेलेंस से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं साइक्लिक नोटेशन के थ्रू भी देख लिया और इनवर्ट्स वगैरह भी निकालना सीख सकते हैं हम लोग एक क्वेश्चन है जरा देखना सिग्मा इज इक्वल टू वन फाइव टू एक क्वेश्चन और देख लेते हैं थ्री टू फोर सिक्स वन सेवन अब हमें सिग्मा इन्वर्स निकालना है ध्यान से देखो सिग्मा इन्वर्स निकालना है तो क्या करेंगे पूरे का इन्वर्स करेंगे इन्वर्स करेंगे तो राइट टू लेफ्ट होता है सेवन को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता सेवन का इनवर्स फिर आ जाएगा फोर सिक्स वन का इन्वर्स फिर आ जाएगा थ्री टू का इन्वर्स फिर आ जाएगा वन फाइव टू का इन्वर्स सेवन का इन्वर्स तो खुद सेवन ही होता है लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अब फोर सिक्स वन का इन्वर्स क्या हो जाएगा आप थोड़ा सा अभी नए नए हो तो आप इस तरीके से देख सकते हो फोर सिक्स वन में फोर का सिक्स सिक्स का वन और वन का फोर इसका इन्वर्स में उल्टा हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा सिक्स वन फोर सिक्स का फोर वन का सिक्स और फोर का वन ये हो जाएगा सिक्स वन फोर या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं इनवर्स में अच्छा नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये थोड़ी करना है इनवर्स में सिक्स वन फोर हो जाएगा सिक्स का फोर वन का सिक्स फोर का वन हाँ अब देखो जरा इसको अगर साइक्लिक नोटेशन में लिखोगे तो वन का सिक्स हो रहा है फिर सिक्स का फोर हो रहा है फोर का वन हो रहा है तो साइक्लिक नोटेशन में हो जाएगा ये वन सिक्स फोर वैसे सिक्स वन फोर भी लगभग लगभग सिक्स फोर वन से ही था इसको तो अगर साइक्लिक नोटेशन में लिखते तो सिक्स फोर वन या फिर वन सिक्स फोर बात बराबर ही है अब थ्री टू का तो थ्री टू ही रहता है बदलेगा थोड़ी या टू थ्री कर दो वन फाइव टू का क्या होगा वन फाइव टू वन का फाइव फाइव का टू टू का वन इसका इन्वर्स करोगे तो फाइव टू वन ऊपर फाइव का वन टू का वन फाइव एक मिनट फाइव का वन टू का फाइव और वन का टू तो वन का टू टू का फाइव और फाइव का वन तो वन फाइव वन टू फाइव हो गया ना ये वन टू फाइव वन टू फाइव और वैसे भी तीन साइकिल में ना बस एक इसको घुसा देना है बीच में और इसको बाहर कर देना है यही करना है ठीक है उल्टा कर देना है साइकिल को तीन वाले में वाले में दो ही साइकिल बनता है एक साइकिल तो है ही सामने मुझे दूसरा साइकिल बन रहा है उसको लिख दो तो ये हो गया इनवर्स ऑफ अ साइकिल अब इसके बाद से कुछ थ्योरम अब स्टार्ट हो जाते हैं थ्योरी प्रॉपर्टीज ऑफ परमोटेशन कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ परमोटेश जिसमें पहला थ्योरम जो है बच्चे मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल और थ्योरम भी एक दो हो जाएगा तो हो जाएगा पहला थ्योरम है एवरी परमोटेशन आज एक ही थ्योरम हो पाएगा फिर नेक्स्ट थ्योरम से हम लोग नेक्स्ट uh, क्लास में कंटिन्यू करेंगे एवरी परमोटेशन ऑफ अ फाइनाइट सेट कैन बी Written as a cycle or as a product of disjoint cycle matlab मतलब har permutation ko product of disjoint cycle ke form mein represent किया जा सकता है ये है theorem हमारा यानी हर permutation को हम product of disjoint cycle में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ध्यान से देखो लेट सेट uh, वही ले रहे हैं जनरलाइज जिसमें वन से लेकर के एन तक वर्टिक्स हैं और अल्फा ले रहे हैं परमोटेशन लेट अल्फा बी लेट अल्फा बी अ परमोटेशन ऑन ए इज इक्वल टू वन टू से लेकर के एन इस पे ले लिया अब ध्यान से देखो अब अल्फा को लिखने के लिए देखना ज़रा हम लोग लिख सकते हैं ना आ, इस तरीके से तो ए वन अल्फा ए वन ए टू अल्फा ए टू ए थ्री अल्फा ए थ्री लेकिन साइक्लिक नोटेशन का मतलब क्या है कि अगर ए टू इज इक्वल टू अल्फा ऑफ ए वन है साइकिल कितने लेंथ का है हमें नहीं पता है तो ए थ्री जो होगा वो अल्फा ऑफ ए टू होगा भाई साइक्लिक में ए वन ए टू ए थ्री ये सब अभी साइकिल में चल रहे हैं ए वन का इमेज ए टू होगा ए टू का इमेज ए थ्री होगा सेम परमोटेशन के अंदर अल्फा ऑफ ए टू हो जाएगा ए थ्री एल्फा ऑफ ए थ्री हो जाएगा क्या ए फोर तो समझो जरा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गौर से अल्फा थ्री इज इक्वल टू अल्फा और फिर अल्फा टू की जगह पे ये डाल देना अल्फा ऑफ वन अल्फा ऑफ ए वन ए थ्री हो जाएगा अल्फा स्क्वायर ऑफ ए वन मतलब फर्स्ट एलिमेंट से रिलेशनशिप इसका एस्टेब्लिश हो गया वैसे ही ए फोर हो जाएगा अल्फा ऑफ ए थ्री और ए थ्री है अल्फा स्क्वायर ऑफ़ ए वन तो ये हो जाएगा ए फोर इज टू क्यूब ऑफ ए वन तो एक साइकिल के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं कहने का ये मतलब हुआ कि अगर वन टू थ्री फोर साइकिल है तो एल्फा ऑफ वन इज इक्वल टू टू एल्फा स्क्वायर ऑफ वन इज इक्वल टू थ्री एल्फा क्यूब ऑफ वन इज इक्वल टू फोर और एल्फा फोर ऑफ वन इज इक्वल टू खुद वन और एल्फा फाइव ऑफ वन इज इक्वल टू फिर से वही एल्फा ऑफ वन क्योंकि अल्ला फोर इंटू एल्फा वन में ब्रेक करोगे एल्फा फोर तो वन है और एल्फा वन आ जाएगा टू समझ में आ रही है बात मतलब साइक्लिक नोटेशन भी साथ साथ चल रहा है प्रमोटेशन में अल्फा तो फोर हो गया अल्फा क्यूब वन अब ये साइकिल कहीं ना कहीं तो जाकर के खत्म होगा जरूरी थोड़ी है कि ये पूरा ही एक साइकिल हो ध्यान से सुनो मेरी बात जरूरी थोड़ी है कि पूरा साइकिल हो सकता है कि ये साइकिल यहीं पे ख़त्म हो जाए फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा ठीक है तो लेट लेट एल्फा एम ए वन इज इक्वल टू ए वन जितने का साइकिल होगा ध्यान से मेरी बात सुनो यहाँ भी देखो एल्फा एल्फा स्कोर एल्फा क्यूब एल्फा फोर चार लेंथ का साइकिल है तो एल्फा फोर वन आ गया तो अगर एम लेंथ का साइकिल है तो एल्फा एम भी क्या आएगा ए वन का खुद ए वन आएगा एज्यूमिंग ऑफ लेंथ कितना फर्स्ट साइकिल ऑफ लेंथ एम इसलिए अल्फा एम ए वन आ गया ए वन ठीक है फॉर फाइनाइट साइकिल फॉर फाइनाइट साइकिल हम लोगों ने वन मान एम मान लिया अब ध्यान से सुनो फॉर सम आई लेस देन जे ऐसा हो जाएगा कि ए वन इज इक्वल टू एल्फा एम ए वन या एक मिनट एल्फा आई ए वन इज इक्वल टू एल्फा जे ए वन और से देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं एल्फा ट्वेंटी वन फिर से वन ही होगा यानी एल्फा ट्वेंटी इज इक्वल टू एल्फा फोर तो ये दोनों जब फैक्टर होते हैं ना ऑर्डर ऑफ ग्रुप के तो एलिमेंट रिपीट होने लगता है फोर कहीं फाइव टाइम्स है तो फिर से वही सेम आएगा जैसे यहां देखो एल्फा थ्री अगर वन है इसका मतलब है इसमें फोर ऐड कर दो एल्फा सेवन भी एल्फा थ्री के ही बराबर होगा क्योंकि फोर इज दिस ग्रुप फोर इज दिस ग्रुप तो यहां डिफरेंस जो है डिफरेंस डिफरेंस इज डिविजिबल बाई ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ये सब आपने साइक्लिक ग्रुप में पढ़ा हुआ है ट्वेंटी माइनस फोर आ रहा है सेवन माइनस थ्री आ रहा है 4, उसको भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो सच डेट आई माइनस जे इज डिविजिबल बाई किस से एम से डिविजिबल बाई एम क्योंकि एम लेंथ का साइकिल है ठीक है यहां तक तो आ गया सो so, एल्फ़ा कैन बी रिटेन एस पहला साइकिल तो मिल गया बच्चे आगे के साइकिल का अभी पता नहीं है एल्फ़ा को हम लिख सकते हैं ए वन ए टू लेकर के ए एम और आगे तीन डॉट लगा दो कि आगे का साइकिल क्या है मुझे नहीं पता अब आगे का साइकिल ढूंढने के लिए किसी एलिमेंट से तो स्टार्ट करना पड़ेगा आप न्यूमेरिकल में भी देखते थे ना कि जब हम लोग साइकिल ढूंढ लेते थे वन सेवन थ्री टू का तो बचता था फोर फोर से स्टार्ट करते थे का इमेज ढूंढना तो नेक्स्ट एलिमेंट तो चूज करना ही पड़ेगा बच्चे हमें जो कि ए एम के बाद आएगा तो और नेक्स्ट साइकिल में जो भी एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट साइकिल से मैच नहीं करेगा ये भी बात क्लियर कर दें देखो तो जरा क्योंकि वो एलिमेंट कवर अप हो जाता है वो एलिमेंट जब कवर अप हो जाता है तो नेक्स्ट वाले में थोड़ी लेते हैं कहाँ गया ये देखो वन और फोर आ गया तो फिर इधर में नहीं आएगा वन और फोर क्योंकि वो कवर अप हो गया उसका काम खत्म नेक्स्ट साइकिल में नया एलिमेंट ही आता है जो कि पुराने साइकिल के किसी भी एलिमेंट से मैच नहीं करता है ठीक है तो अब हम लोग लिखेंगे लेट बी वन बी बी वन ऑफ ए बी नेक्स्ट एलिमेंट बी नेक्स्ट एलिमेंट सेकेंड साइकिल सपोज सपोज प्रमोटेशन तो वही है एल्फा है एल्फा बी वन इज इक्वल टू बी टू एल्फा बी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल्फा स्क्वायर बी वन सो ऑन अब इसका भी साइकिल का लेंथ कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा एल्फा के ऑफ बी वन इज इक्वल टू बी वन के साइकिल को हमने एज्यूम कर लिया है के साइकिल हमने एज्यूम कर लिया है नाव एल्फा कैन बी रिटेन ए वन ए टू से लेकर के ए एम तक तो था ही नेक्स्ट साइकिल भी आ गया ना बी वन बी टू से लेकर के कहाँ तक बी के तक फिर तीन डॉट फिर तीन डॉट सच बी वन बी वन इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम एनी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट साइकिल फर्स्ट साइकिल से बिल्कुल अलग ही होगा इसका कोई भी कॉमन पार्ट उसमें नहीं होगा इसी तरीके से कॉन्टिन्यूइंग इन द सेम वे कॉन्टीन्यूइंग सेम वे और जब ये फाइनाइट परमोटेशन है कितने ऑर्डर का फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट है तो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा एन तक हमने लिया है तो ये एन पे जाके ख़त्म होगा तो ये आ जाएगा एल्फा इज इक्वल टू ए वन ए टू से लेकर के कहाँ तक एम फिर बी वन बी टू से लेकर के बी के डॉट 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 और लास्ट में जो बचेगा वो सी वन सी टू से लेकर के कहीं ना कहीं सी एस या कहीं तक जाएगा तो इस तरीके से हमने देखा कि हर परमुटेशन को दिस ज्वाइंट साइकिल है इस ये साइकिल बिल्कुल डिफरेंट ये साइकिल बिल्कुल डिफरेंट हर साइकिल एक दूसरे से अलग है कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हर परमोटेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ डिसंट साइकिल तो आज के क्लास में बच्चे इतना ही नहीं तो फिर uh, सर के ऊपर से सब निकलने लगेगा क्लास थर्ड जब हम लोग लेंगे चैप्टर फाइव का परमोटेशन का जोसेफिक एलियन से उसमें कंटिन्यू करेंगे थ्योरम 5.2 से जिसका स्टेटमेंट है ए डिसजॉइंट साइकिल कम्यूट शॉर्ट फॉर्म में डिसजॉइंट साइकिल जो है वो कम्यूट करता है ये हमें प्रूव करना है तो पहले इसका स्टेटमेंट ढंग से लिखेंगे फिर उसको प्रूव करेंगे फिर 5.3 में है ऑर्डर ऑफ अ परमोटेशन फिर कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे इतना ही करते करते नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा देखते किस एग्जांपल तक करते हैं फिर थ्योरम फाइव पॉइंट और से नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक दो तीन चार मतलब दो क्लास अभी और लगना है इसके ऊपर कम से कम फिर ये कंप्लीट हो जाएगा और एग्जामपल टेन से हमारे कोर्स में नहीं है ठीक है तो यहाँ तक तो हमें करना ही करना है एक बार देख लेते हैं सिलेबस कहाँ तक है वन थ्योरम 5.7 तक करना है पेज 104 ठीक है थ्योरम तक ही करना है 104 तक यानी रोटेशन ऑफ अ टेट्राहाइड्रॉन से टॉपिक हमारे कट हैं वो काफ़ी लेंदी हो जाते हैं तो उतना लेंदी करने का ज़रूरत नहीं है तो दो क्लासेज अभी और मिनिमम लगेंगी अभी तक के लिए इतना ही बच्चे फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाय 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 बाय